रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आ गए हैं हम एक न्यू वीडियो के साथ। तो यहाँ पर देखिए, प्रीव्यू तो आपने देखा ही होगा। तो इस तरीके का ट्रेनिंग इंस्टाग्राम रील्स वीडियो बनाना चाहते हो आप अपने मोबाइल फ़ोन में लाइट मोशन एप्लीकेशन से, तो कैसे बना सकते हो जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो लाइट मोशन एप्लीकेशन होगी इसे ओपन कर लेना। उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट में चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो बीट मार्क वाली प्रोजेक्ट होगी, यहाँ पर लिंक मिल जाएगी मैं डिस्क्रिप्शन में, इसका इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट होगी वो ऑलरेडी एडिड होगी और यहाँ पर बस आपको बीट मार्क्स यहाँ पर कुछ शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली फ़ोटोज़ को ऐड कर देना, जिस भी किसी फ़ोटोज़ का आपको वीडियो बनाना होगा। और यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाली इफेक्ट है वो ऑलरेडी एडिड है। तो इसमें यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो कैसे लगा सकते हो जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए विदाउट स्किप किए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बिटमार्क के पास यहाँ पर स्पेस दी गई है, यहाँ पर आपको कुछ फ़ोटोज़ को ऐड कर देना है। उसके लिए बिटमार्क के पास आ जाइए, प्लस में चले जाइए मीडिया में, और यहाँ पर से आपको जिस भी किसी फ़ोटो को ऐड करना है उसे सेलेक्ट कर यहाँ पर नेक्स्ट बिटमार्क पर आ जाइए। और जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे उसे यहाँ पर फोटो वाली ऑप्शन पर जाकर ट्रिम कर देना। अगर आपकी फ़ोटो प्रॉपरली एडजस्ट नहीं होगी तो थ्री डॉट्स पर चले जाइए और फिर कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरीके से यहाँ पे प्लस पे चले जाइए मीडिया में, और यहाँ पर से आपको कुछ फ़ोटोज़ को ऐड कर लेना। मैं यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ को ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ फ़ोटोज़ को ऐड कर दी। अब इन फ़ोटोज़ में शेक वाली इफेक्ट लगाने के लिए यहाँ पर बैक चले जाइए, और ये जो शेक वाली प्रेसेट लिंक होगी यहाँ पर लिंक मिल जाएगी मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे से आपको जाकर इसे डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर ये वाली जो फर्स्ट वाली इफेक्ट होगी इसका इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाली इफेक्ट है वो कॉपी करने के लिए फ़ोटो पर क्लिक कर दीजिए, इफेक्ट्स पर जाइए, थ्री डॉट पर कॉपी इफेक्ट्स कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर बैक चले जाइए और अभी जो वीडियो बना रहे थे इसे ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए आपकी वीडियो में दो बड़ी वाली फ़ोटो होगी, स्टार्टिंग में और ये लास्ट में। तो यहाँ पर जितने भी बड़े फ़ोटोज़ हैं उसमें ये फर्स्ट वाली इफेक्ट को लगा देना। उसके लिए फ़ोटो पे क्लिक कर देनी, इफेक्ट्स पे जाना, थ्री डॉट पे और पेस्ट इफेक्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में एक बड़ी फ़ोटो है, तो ये दो फोटोज़ में ये फर्स्ट वाली इफेक्ट लगा देते हैं, और बाकी के जितने छोटे फ़ोटोज़ हैं अलग इफेक्ट आ जाएगी। उसके लिए बैक चले जाइए, और ये जो शेक वाली प्रेसेट लिंक होगी ये वाली इफेक्ट को कॉपी कर लीजिए, फ़ोटो पे क्लिक कर दीजिए, इफेक्ट्स पे जाइए, थ्री डॉट पे कॉपी इफेक्ट्स। उसके बाद यहाँ पर बैक चले जाइए और अभी जो वीडियो बना रहे थे इसे ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर जो छोटे छोटे फ़ोटोज़ हैं उसमें ये वाली इफेक्ट को पेस्ट कर देते हैं, फ़ोटो पर क्लिक कर देते हैं, इफेक्ट्स पर जाना, थ्री डॉट पर और पेस्ट इफेक्ट। इसी तरीके से जो बाकी के सभी फ़ोटोज़ हैं उसमें ये वाले इफेक्ट को लगा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में फ़ोटो ऑलरेडी एडिड थे, इसमें अपनी फ़ोटो लगाने के लिए आपको सिंपली ये देखिए दो आपको ऑरेंज कलर की इफेक्ट शो हो रही है, तो इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर चले जाना एडिट ग्रुप पे, ग्रुप में जाने के बाद यहाँ पर देखिए ये वाली जो फ़ोटो होगी यहाँ पर शो हो जाएगी, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर कलर फिल्स पे चले जाइए, तो इमेज का नाम शो हो जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। और यहाँ पर आपको जिस भी किसी फ़ोटो को ऐड करना होगा उसे सेलेक्ट कर यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए फ़ोटो ऐड हो जाएगी। पर देखिए नीचे वाली जो ऑरेंज वाली थी इफेक्ट, हमने इसे क्लिक किया था और यहाँ पर फ़ोटो चेंज हो गई। यहाँ पर देखिए ऊपर वाली ये जो ग्रुप वाली इफेक्ट है इस पर जाइए, एडिट ग्रुप में जाइए, यहाँ पर इमेज शो हो जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर कलर एंड फिल्स में जाइए, फिर से आपको दूसरी वाली फ़ोटो को ऐड कर देना और यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो फ़ोटो थी वो चेंज हो जाएगी आपके वीडियो में, यहाँ पर दोनों फ़ोटोज़ जो है वो चेंज हो चुकी है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी वीडियो है वो बन के तैयार हो चुकी है, मैं एक बार इसे प्ले करके दिखाती हूँ, तो इसका इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके का ट्रेनिंग इंस्टाग्राम रील्स वीडियो बनाना चाहते हो लिरिक्स वाली तो बहुत ही आसानी से बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू।